नाम का लड़का था जो कि बचपन से इनके मम्मी पापा जन्म से अंधे थे। ऊपर जो दिखाया गया वैनलेस और टूटे हुए सिरा है लेडीज के मिल के, और वहाँ के जो राजा थे श्रावस्ती के जो राजा, उनको शिकार करने का शौक हुआ करता था। एक दिन राजा श्रावस्ती में नदी के तट किनारे जाते हैं और उनको लगता है कोई जानवर वहाँ बैठा हुआ है, उसको तीर चलाते मारते हैं और धोखे से तीर लड़के को लगता है। लड़का काफी चीखता है चिल्लाता है, चीखने चिल्लाने के बाद जब राजा के कानों तक सुनाई देती है, फिर जब राजा जाते हैं उस बच्चे के पास, बच्चा काफी रोता है, महाराज अब मेरी मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, मेरे मम्मी पापा तो जन्म से अंधे हैं। अब राजा उनके मम्मी पापा को अपने महलों में ले जाते हैं श्रावस्ती में, जिनकी मम्मी पापा और शाम की सेवा करते हैं। नदी के तट किनारे बफोले पानी पी रही है, मटके रखी एक महिला पानी भर रही है, पूरी कार्विंग के माध्यम से पूरी जीवन शैली को दर्शाया गया है। अच्छा, ये सांप वाला क्या? ये जो मुछली नाम का जो सांप हुआ करता था, ये गौतम बुद्ध जब बौद्ध गया में ध्यान कर रहे थे, वो तो प्रोटेक्ट किया, लेकिन यहाँ क्या बता रहे? वही बता रहे, उसी के वही मैसेज है, वही बात है, ये वही मछली सांप के साथ बुद्ध की रक्षा की जा रही है। पब्लिक एंजॉयमेंट कर रही, आमोद प्रमोद के दृश्य दिखाए गए हैं, बगीचे बने हुए हैं श्रावस्ती के। श्रावस्ती कितना दूर है यहाँ से? उत्तर प्रदेश में सर, किलोमीटर। ये नदी वाला ये भी अच्छा, ये अच्छे जब बंदरों के लीडर थे, महाकवि बंदर, गंगा नदी के वहाँ के जो राजा थे मौर्य डायनेस्टी के अंतिम राजा बृहदत्त, जो छोटे छोटे बंदर आम के फल को तोड़कर खाया करते थे। एक दिन फल गंगा नदी के तट पर गिरते हैं, महाकवि बंदर ने अपने छोटे छोटे बंदरों को बोल रखा था कि भाई तुम जब भी फल खाओगे कि वो फल गंगा नदी के तट पर ना गिरे। यदि किसी आम के बगीचे के इस फल के बारे किसी पता चल जाएगा, पूरी पब्लिक जनता इस बगीचे कब्जे में कर लेगी। पर एक दिन फल गंगा नदी के तट पर गिरते हैं, तैरते तैरते फल राजा के हाथों में लगते हैं। राजा व्रत गंगा नदी के तट के किनारे स्नान कर रहे थे, फिर राजा ने फल खाए, फल इतने ज्यादा मीठे इतने ज्यादा स्वादिष्ट हुआ करते थे। राजा ने बोला अपने सैनिकों को, पता करो भाई किस बगीचे के फल है। अब सैनिक लोग जा रहे हैं तीर चलाते हुए, अब बंदरों को मार रहे हैं, महाकवि बंदर ब्रिज के शेप में छोटे छोटे बंदरों को खींच रहे हैं, उनकी रक्षा की जा रही है। नदी में मछलियाँ तैर रही है, अब क्रोकोडाइल को तैरते हुए दिखाया गया है, अब फिर सैनिक लोग ड्रम ढोल बजा रहे हैं, फिर यहाँ भी कार्विंग के माध्यम से पूरे लाइफ स्टाइल को दर्शाने की कोशिश की कलाकारों ने। फिर यहाँ बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स है बॉडी ट्रे की प्रेयर कर रहे हैं, लॉयल जो की पावर शक्ति का सिंबल्स है, जो की सम्राट और जो भी एक शेर की तरह थे, जो की उन्होंने पूरे भारत में शासन किया, इसलिए उन्हें बोला जाता है महान सम्राट अशोक।